त्रेता का काल आया तो रावण जैसे शुद्ध पुरुष ने भी नारी के साथ में क्या और कितने ऋषि मुनियों के साथ क्या व्यवहार किया, वो पूरा ग्रंथ लिखा गया रामचरितमानस वाल्मीकि रामायण। फिर एक और काल आया जिसमें द्वापर का काल आया और उस समय हमने भगवान श्री कृष्ण का और कंस का काल देखा गया और उसमें महाभारत भगवत गीता का अवतरण। और एक काल और आया सतयुग का जिसमें घर का पिता ही अपने बच्चों का खून का प्यासा हो गया और फिर नरसिंह अवतार को आना पड़ा। लेकिन भाइयों बहनों जिस काल में हम और आप लोग बैठे हैं इसको कौन सा काल कहते हैं, जल्दी बोलो, एक बार और बोलो। और इस कलयुग में एक और दैत्य आया और उसका नाम है विज्ञान का। लेकिन याद रखना एक महापुरुष गेवा वस्त्र पहन करके आया था और उसने कहा था, क्या कहा था, मैं विज्ञान का विरोधी नहीं हूं, पश्चिम का विज्ञान और सनातन धर्म की संस्कृति को जीने से मनुष्य का पतन कभी नहीं होगा। ऐसे स्वामी जी के अगले चरण को पूरा करने के लिए फिर एक अवलखेड़ा की धरती पर 1926 में इस धरती का भाग्य और भविष्य उज्जवल करने के लिए विचार क्रांति का एक अग्रदूत फिर धरती पर आता है और जिसको अब हम 100 साल की शताब्दी का कालखंड कह सकते हैं। इन 100 सालों में उस महायोद्धा ने गायत्री महाविद्या से अध्यात्म और विज्ञान का वैज्ञानिक विश्लेषण करके देश की महान विभूतियों को उनके समय साधन प्रभाव ज्ञान पुरुषार्थ के लिए आह्वान किया और युग शक्ति भगवती गायत्री को इस कलयुग के साथ लड़ने का एक ब्रह्म अस्त्र किसको बताया, कुमति पर सुमति की विजय का ब्रह्मास्त्र। आइए देखते हैं उस महापुरुष ने चार शक्तियों को कैसे सिद्ध किया, धर्म अर्थ काम और मोक्ष के साथ अखिल विश्व गायत्री परिवार इस संसार के अंतिम व्यक्ति से शिखर तक के व्यक्ति के लिए शताब्दी का क्या संदेश लेकर के आया है, इसका घोषणा है महाकाल का घोषणा युग तीर्थ शांति कुंज हरिद्वार। इसमें जलती है अखंड ज्योति, इसमें जलती अखंड अग्नि और चार वेदों उपनिषदों और सभी प्रकार के वो अर्श साहित्य जिसको खोजने पर ढूंढने पर इस संसार में कहीं वैज्ञानिकता के साथ नहीं मिलते थे, उसका एक महापुरुष ने 3200 पुस्तकों का सृजन किया और उसी दीपक की 100 साल की सदी में एक दो नहीं 15 करोड़ लोग और मेरे जैसे 10,000 लोक सेवी पूर्णकालिक जीवनदानी कार्यकर्ता युग तीर्थ की गंगोत्री से आपको इस युग की कथा व्यथा और कष्टों से निवारण का संदेश देते हैं। 3 मिनट के लिए ध्यान से सुनिए। प्रेम से बोली युगाधिपति महाकाल गुरुदेव की जय। भक्तों आज मैं आपको वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी जो इस युग के विश्वामित्र हैं, युग व्यास हैं, युग वशिष्ठ हैं, हम सबके आराध्य हैं, हम सबके प्यारे गुरुदेव हैं, उन श्री गुरुदेव के चरण कमलों की गाथा गाने जा रहा हूँ, उनकी पावन कथा सुनाने जा रहा हूँ। आइए बड़े ध्यान से उनके श्री चरण कमलों का ध्यान करते हुए उनकी ये जीवन गाथा सुनते हैं। हम आज आपको श्री राम की कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, माँ गाये
गायत्री के वरद पुत्र की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं, जो महाकाल अवतारी है वो बात बताते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, श्री राम गुरु के चरणों की हम गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। बोलो जय 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 गुरुदेव, जय महाकाल गुरुदेव, बोलो जय 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 गुरुदेव। जब हमारे देश में मुगलों का आक्रमण हुआ तब हमारी संस्कृति नष्ट की गई, कई राम मंदिर कृष्ण मंदिर तोड़े गए, हमारे वेद पुराण इतिहास उपनिषद सारे जला दिए गए। ऐसी अवस्था में परम पूज्य गुरुदेव पुनः चारों वेद लिखते हैं, 18 पुराण लिखते हैं, 108 उपनिषद लिखते हैं एवं सभी आर्ष ग्रंथों का उद्धार करते हैं और हम सबको ये संदेश देते हैं, ये ज्ञान क्रांति उठाओ और जन जन तक फैलाओ। ताली बजाइए। वेद ज्ञान था लुप्त विश्व में चारों वेद लिखे, 108 उपनिषद 18 पुराणों को लिखे, 300 साहित्य लिखे वो जग को दिए संदेश, उठो ज्ञान क्रांति फैलाओ घर घर देश विदेश, जन जन में आओ ज्ञान का दीप जलाते हैं, हम दीप जलाते हैं, श्री राम ताली बजाइए, चरणों की हम गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। इतने सारे सदग्रंथों का आज लक्ष्मी माता के जन्मदिन पर दर्शन कर रहे हैं, जिनको ढूंढने से नहीं मिलते थे बड़े बड़े साहित्यों में। गुरु कर्म है गुरु ही पालनहार, गुरु से श्रेष्ठ जगत में न कोई शिष्यों का आधार, वेद मूर्ति तपोनिष्ठ गुरु जी करुणा के भंडार, धर्म की राह पे चले जो उनको मिलता माँ का प्यार, कथा लिखे अविनाश गुरु के गुणों को गाते हैं, हम शीश नवाते हैं, श्री राम गुरु के चरणों में गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। बोलो जय 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 गुरुदेव, जय महाकाल गुरुदेव, बोलो जय 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 गुरुदेव, जय महाकाल गुरुदेव, बोलो जय 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 गुरुदेव, जय महाकाल गुरुदेव, बोलो जय 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 गुरुदेव, बोलो युगाधिपति महाकाल की जय।